लो जी, IPC वर्धमान दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि तुहानू पता है कि अपना बैच चलिया होया IPC इंस्टीट्यूट दे विच, किसी भी तरीके दे ऑनलाइन ते ऑफलाइन कोर्स की जानकारी लई तुसीं आ दित्ते गए नंबर ते कंटैक्ट कर सकदे हो। सो अज दी जो अपनी पहली वीडियो रहेगी वह किदे उत्ते रहेगी? डायरेक्शन दे उत्ते। सब तो पहला डायरेक्शन अपने कोल किन्नियां हुंदियां ने? डायरेक्शन अपने कोल चार हुंदियां ने। डायरेक्शन किन्नियां हुंदियां ने अपने कोल? चार हुंदियां ने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट अते वैसट। अपनी अपनी कापी पेन जरूर नाल चक लियो, अपनी अपनी कापी पेन जरूर नाल चक लियो, ठीक है। नॉर्थ की हुंदा अपने कोल? उत्तर दिशा। साउथ की हुंदी अपने कोल? दक्षण दिशा। ईस्ट की हुंदी अपने कोल? पूर्व दिशा। अते वैसट की हुंदी अपने कोल? पछम दिशा। अपने कोल मेनली चार दिशावां हुंदियां ने, पर जे आपां ध्यान मारीए तां इहदे विच वी कुछ दिशावां होर हुंदियां ने, जिवें कि जिहड़ी इहदे विच आऊगी उहनूं आपां की कह दिंदे आ? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जिहड़ी इत्थों दी लै के उरे तक दी आ सारी दिशा नूं आपां की कह दिंदे आ? नॉर्थ ईस्ट। ते जे मैं गल करां इहदी तां इहदा मतलब की होया? साउथ ईस्ट। इहदा की मतलब होया? साउथ ईस्ट, ठीक है। जे मैं इहदी गल करां, ठीक है, ये भी इत्थों दी लै के आ सारी दिशा की है? साउथ ईस्ट है। इस तो अलावा जे मैं गल करां ए वाली दिशा की, यह सारी दिशा की होगी? साउथ वैसट होगी। तो आ जिहड़ी दिशा है ए वाली दिशा कैड़ी होगी? ए होगी नॉर्थ वैसट। अपने कोल यह अठ दिशावां हुंदियां ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिशावां हुंदियां ने अपने कोल। क्लीयर है जी? ओके, हुण जे मैं तुहानूं कहां, जे मैं तुहानूं कहां भी सूरज कित्थों उगदा है? सूरज कित्थों उगदा? आपां नूं पता है सूरज कित्थों उगदा है? पूरब दे विच उगदा, ते छिपदा कित्थे है? पछम दे विच सूरज की है? छिप जांदा, ठीक है। पूरब दे विच उह उगदा, पछम दे विच की हो जांदा? उह छिप जांदा। हुण अपने कोल मेन चीज़ की आती है? मेन चीज़ यह आती है, जवाकों नूं पता नहीं लगता भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट कित्थे बनाना है, ठीक है। पूरी डायरेक्शन दे विच आपां कई तरीके नाल क्वेश्चन सॉल्व करांगे, जो तुहानूं बेस्ट लग्या वह चीज़ तुहाने कर लेनी है, ठीक है। हुण जदों भी नॉर्थ बनाना, नॉर्थ हमेशा उपर नूं होगा तो साउथ हमेशा थले होगा। इहनूं याद किवें रखना है? इधर नूं देखो तो जिधर नक है, नक वाले पासे की हो गया? नोज़। पिछे सिर है, सिर वाले पासे की हो गया? साउथ। खब्बे हाथ से घड़ी बांधते हो तो खब्बे पासे की हो गया? रिस्ट वॉच। तो की रह गया? ईस्ट, ठीक है। इस तरीके आपने हमेशा याद रखना नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट किधर किधर नूं हुंदा। क्लीयर है? उस तो बाद अपने कोल की आंदियां ने? दिशावां, ठीक है। हुण जे मैं तुहानूं कहां कि कोई बच्चा नॉर्थ वाल जा रहा है, या कोई स्टूडेंट, कोई लेडी, कोई बॉय नॉर्थ वाल जा रहा है, जे वह अपने सज्जे मुड़ेगा तो वह सज्जे किधर नूं मुड़ेगा, ठीक है। हुण देखो कोई बंदा जिथों भी स्टार्ट करना उन्हें, कदे भी जो स्टार्ट करेगा वह कितों करेगा? सेंटर पॉइंट तो करेगा। सेंटर पॉइंट तो जे वह नॉर्थ वाल नूं जा रहा है, उत्तर वाल नूं जा रहा है, तो वो सज्जी दिशा राइट पासा किहड़ा होगा? वह सज्जा पासा आ होगा राइट, तो वह खब्बा पासा की होगा? आ होगा लैफ्ट। हुण तुसीं इहनूं अपने आप अज्यूम करके देखो, तुसीं सीधा जा रहे हो, थोड़ा राइट पासा आ होगा तो लैफ्ट पासा की होगा? आ वाला होगा। तुसीं इहनूं जिवें मर्जी याद कर सकते हो। राइट नूं आपां इक नाम होर दिंदे आ, की कहिंदे आ? क्लॉकवाइज। क्लॉक वाइज। तो लैफ्ट नूं आपां की कहिंदे आ? एंटी क्लॉकवाइज। लैफ्ट नूं आपां की कहिंदे आ? एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज का मतलब की हुंदा? सज्जे पासे जिवें घड़ी घूमदी है, घड़ी किवें घूमदी है अपने कोल? इस तरीके नाल। घड़ी किवें घूमदी है? सज्जे पासे घूमदी है। तो एंटी क्लॉक की होगा? इस तरीके नाल। तो जे ध्यान दो तो आ की हो रहा? सज्जे पासे घूम रहा। आ की घूम रहा? खब्बे पासे घूम रहा। तो कदे कदे तुहानू राइट भी लिखा आ सकता है, तो क्लॉकवाइज भी लिखा आ सकता, तो उहदे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना भी राइट से क्लॉकवाइज से की फर्क है। और तक क्लीयर है? ठीक है। तो नैक्सट की है? हुण जे कोई बंदा इधर नूं जा रहा, यह कि दिशा बन गई अपने कोल? ईस्ट बन गई। जे मैं कह ईस्ट का राइट किधर होगा? जे तुसीं इधर नूं जा रहे हो तो इहदा राइट किधर नूं होगा? थले नूं। अपने दिमाग दे विच अज्यूम कर सकदे हो इहदा राइट किधर नूं होगा? थले नूं होगा। तो इहदा राइट किधर नूं होया? थले नूं होया। तो इहदा जो लैफ्ट है, लैफ्ट किधर नूं होगा? उपर नूं होगा। अपने आप नूं अज्यूम करो भी तुसीं इस पासे नूं जा रहे हो तो इहदा राइट ते लैफ्ट किधर नूं होगा, ठीक है। एक दो बारी मुश्किल आऊगी, उस तों बाद तुहानूं की होगा आराम नाल तुहानूं पता लगन लग जू भी राइट लैफ्ट की हुंदा। जदों उह थले नूं गया, जदों वह थले नूं गया साउथ दिशा वल नूं गया। हुण देखो जे मैं थले नूं जा रहा तो मेरा लैफ्ट आ होगा राइट
आ होगा, ठीक है। अपने दिमाग के कैलकुलेट करो, थले जा रहा लैफ्ट आ होगा राइट आ होगा, तो थले गया तो लैफ्ट की हो गया वह आ हो गया, राइट वह की हो गया आह हो गया। सेम टू सेम जो तुम आह दिशा के करोगे तो यदा राइट की होजूगा आह वाला होजूगा, तो लैफ्ट की होजूगा आह वाला होजूगा। आप बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट कर रहे हैं भी दिशा होंगी की है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तो। हजे आपने सिर्फ ये देखा भी किसी दिशा में जा रहे हैं तो वह राइट तो लैफ्ट की होंगे, और तक किसी कोई डाउट क्लीयर है जी। ओके हूँ जे मैं थोनू कहाँ, ये तो मैंने चार दिशावान बारे दसता, मेनली थोड़ू ये बारे ही आऊगा भी कोई बंदा इस दिशा में जा रहा, ठीक है, कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट वाल जा रहा तो वह राइट की होगा। हूँ जे मैं तुम्हें ध्यान एक गल समझावा, इतने ध्यान दो, इतों गया सी ये राइट से किन्ने डिग्री का कोण बन रहा, यह 90 डिग्री का कोण बन रहा। देखो ध्यान देखो ये किन्ने डिग्री का कोण बन रहा, यह 90 डिग्री का। जे वह इतों गया इतों लैफ्ट मुड़िया तो लैफ्ट के भी किन्ने डिग्री का कोण बना रहा, 90 डिग्री का। यदा मतलब की होया जो भी वह मुड़ूगा अपने सज्जे या खब्बे जो भी वह मुड़ूगा तो वह किन्ने डिग्री का कोण बनाऊगा, वह हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाऊगा। हूँ जे मैं ये बंदे की गल करा, ये बंदे का 90 डिग्री राइट कदों बनूगा, ये बंदे का 90 डिग्री राइट बनूगा आह वाली दिशा दे विच, ये की हो गया 90 डिग्री का। तो जे मैं कह लैफ्ट की गल करा तो यह कि होजूगी राइट दिशा, आह की होजूगी अपने को लैफ्ट, तो इतने की बन गए ये 90 डिग्री के कोण बन गए, ठीक है। तो हूँ जे मैं तुहानू पुछा कि इहदी आह वाली दिशा किहड़ी है, तो तुसी जिथों ने स्टार्ट किया उत्थे तुसी प्लस का साइन बनाया, थोनू पता है ये की है नॉर्थ साउथ ईस्ट ते वैसट, तो आह दिशा किहड़ी बन गई भी शुरू तो किधर जा रहा सी, वह नॉर्थ ईस्ट। जे मैं तुहानू पुछा कि हूँ वह किहड़ी दिशा वाल जा रहा है, जे मैं तुहानू पुछा हूँ वह किहड़ी दिशा वाल जा रहा है, तो तुसी कुछ नहीं करना, तुसी इत्थे उही चीज़ दोबारा, मैं थोनू कहा सी बार बार आह चीज़ मारनी आपां ने, जो आप आह चीज़ बनावे जो आपने आह चीज़ बनाई उ लिखता नॉर्थ साउथ ईस्ट ते वैसट। हूँ आप ध्यान नाल देखिए तो आह कि दिशा बन गई है, साउथ ईस्ट, कि दिशा बन गई है साउथ ईस्ट, तो इतने अपने को आंसर क्या आजगा भी यह साउथ ईस्ट वाल जा रहा है, क्लीयर है जी। भी जे आप इतों आह चीज़ मारा इतों की जे आपने सज्जे मुड़ना है, जे आपने सज्जे मुड़ना तो वह किमें मुड़ा, इस तरीके मुड़ा 90 डिग्री घुमावे, अल्टीमेटली आपने की करना 90 डिग्री घुमाना है, क्लीयर है जी। उमें ही जे आप गल करिए राइट की होगा लैफ्ट की होगा आह, यदा राइट की होगा आह वाली दिशा, ठीक है। जे आप इधरले बंदे की गल करिए जो लैफ्ट होगा वह की होगा आह, यदा जो राइट होगा वह की होगा आह। जे आप गल करिए इधर की होगा राइट, इधर नू की होगा यदा लैफ्ट, तो जे आप आह वाले बंदे की गल करिए इधर नू यदा की होगा राइट, इधर नू यदा की होगा लैफ्ट होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ा ने जो डायरेक्शन दे विच आपां नू लोड पऊगी। हाँ जी उरे तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जे कापी ते नोट कर लिया तो वैल एंड गुड है, क्लीयर है जी, हैगी है। उरे तक कोई भी डाउट हो मैनू पूछ लो। हाँ जी हरीश जी कोई डाउट है, ओके मैं बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट कर रहा क्योंकि मैं नहीं पता भी तुसी पहला कदे पढ़िया कि नहीं, ता करके बिल्कुल जमा बेसिक है, ओके। कापी पेन चक के रखियो नाल नोट करी चलियो। चलिए अगे, चलो हूँ अपने को कुछ क्वेश्चन आते हैं, हूँ सीधा आपके उत्ते चलेंगे क्वेश्चन के उत्ते चलेंगे, ज़्यादा औखे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, बिल्कुल सौखे क्वेश्चन एक पहले बिल्कुल सौखे क्वेश्चन तो स्टार्ट करता मैं। की कहता है कि कोई परसन है राम, कोई परसन है राम, वह की करता वेंट फ्रॉम होम। देखो यदा मतलब क्या है, जोड़ा राम है वह घरों गया इन या टोवार्ड नॉर्थ
डायरेक्शन, डायरेक्शन का सब तो बेसिक तो सौखा क्वेश्चन की आता है कि राम वेंट फ्रॉम होम, राम घरों निकलिया किधर नू, नॉर्थ वाले पास नू, आपां पता है नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा होंदी है डायरेक्शन। दैन ही टर्न टू हिज लैफ्ट, तो उस तो बाद उन्हें की किया अपने खब्बे पासे मुड़ गया, उस तो बाद की हो गया अपने खब्बे पासे मुड़ गया। दैन अगेन हीज लैफ्ट, तो उस तो बाद वो दोबारा कितने मुड़िया, खब्बे पासे मुड़िया। देखो की होया, राम घरों निकलिया तो नॉर्थ वाले पासे गया, उन्हें की किया उस तो बाद खब्बे मुड़िया, उस तो बाद फिर खब्बे मुड़िया, एंड दैन टर्न राइट, तो उस तो बाद कितने मुड़ गया, सजे मुड़ गया। देखो ध्यान, राम सब तो पहला कि दिशा वाल गया, उत्तर दिशा वाल गया, उस तो बाद मुड़िया कितने, खब्बे पासे, उस तो बाद फिर कितने मुड़िया, खब्बे पासे, फिर कितने मुड़िया, वो सजे पासे। हुण क्वेश्चन तुहानू की आऊगा कि फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, क्वेश्चन की है भी पता करो इस वक्त वह कैड़ी दिशा वाल जा रहा है। क्लीयर है, सब तो पहला वो किधर गया सी, नॉर्थ वाले पासे, फिर वह खब्बे मुड़िया, फिर वह फिर खब्बे मुड़िया, फिर वह सज्जे मुड़िया, तो वह की कह रहा है इन विच डायरैक्शन ही इज फेसिंग नाउ, भी अखीर दे विच वो घूम घुमा के कित्थे पहुँचा। ठीक है, ये सब तो पहला मैं दो तरीके तुहानू दसूँगा, मैं थोनों दो तरीके दसूँगा, जिहड़ा थोनों वधिया लगता होया वो कर लियो। ठीक है, जिदे विच कि पहला तरीका की है, पहले दे विच की है, सब तो पहला वो किधर नू गया सीगा, नॉर्थ वाले पासे गया सी। मैंने थोनों कहा सी क्वेश्चन दे विच जो भी बंदा तुरिया वो कित्थों तुरूगा, सब तो पहला विचालों तुरूगा, सब तो पहला कित्थों तुरूगा, वो सेंटर तो तुरूगा, नॉर्थ किधर नू हुंदा, उत्तर उपर नू हुंदा, उपर नू चला गया, उपर नू चला गया, जिन्ना मर्जी बना लो। ठीक है, आपां नू डिस्टेंस नहीं दिता होया, उस तो बाद वो किधर गया, खब्बे मुड़िया। हुण मैंने तुहानू दस्या सीगा कि जे कोई बंदा है तो इहदा राइट किधर होगा, इधर, इहदा लैफ्ट किधर होगा, इधर, तो वह किधर मुड़िया सीगा, पहला खब्बे मुड़िया सी, तो खब्बे दे विच की आ गया, वह इधर नू मुड़ गया, किधर नू मुड़ गया, वह खब्बे वाले पासे नू मुड़ गया, उस तो बाद फिर कितने मुड़िया, खब्बे पासे। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझो, हुण वह किधर जा रहा, इधर नू जा रहा, इहदा मतलब कि इधर नू जा रहा, इहदा खब्बा पासा किधर नू हुंदा, तो इहदा खब्बा पासा किधर नू हुंदा, थले नू हुंदा। ठीक है, पिछे देख लो, इहदा खब्बा पासा किधर नू हुंदा सी, थले नू हुंदा सी, तां ऑब्वियसली गल है खब्बा पासा किधर होगा, थले नू होगा, कितें भी जा सकदा, उरे रुक सकदा, उरे रुक सकदा, उरे तक जा सकदा, कितें भी जा सकदा, आपां नू डिस्टेंस की गल नहीं कीती होई, तां इहदा खब्बे पासे चले गया, आह भी खत्म हो गया, आह भी खत्म हो गया, हुण किधर मुड़िया, वह सज्जे पासे। हुण देखो थले नू जा रहा ना, वह जे थले नू जा रहा, थले नू जाण दा मतलब की है, आह चीज़ जा रहा। हुण जे आपां ध्यान नाल चैक करिए, तां इहदा सज्जा पासा किधर नू हुंदा, इधर नू, इहदा खब्बा पासा किधर नू हुंदा, इधर नू, राइट इधर, तो लैफ्ट इधर। तो हुण मैं इहदी जे गल करां, ये किधर नू गया सीगा, राइट हैंड साइड ते गया सज्जे पासे, तो इहदा सज्जा पासा किधर नू जाता हुंदा, आह वाली दिशा वल नू, किधर नू जा रहा, सज्जा पासा आह वाली दिशा वल नू जा रहा। तो मैं की कह दूंगा अल्टीमेटली, वह कि दिशा वल जा रहा, कि दिशा वल जा रहा, वह हाँ जी वैरी गुड, किधर नू जा रहा, वह वैसट वल जा रहा। ठीक है, क्योंकि आह दिशा कि आप इतने बना लाँगे, इतने आ बनावे तो कि दिशा होगी, ये वैसट होगी। ठीक है, ये वो तरीका है जिहड़ा कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वो तरीका है, आपने इस तरीके नाल नहीं करना, क्योंकि ये की है, ये तो चलो उन्हें तीन चीज़ां दित्तियां सीगियां। ठीक है, मान लो दस दे दे, पांच दे दे, अठ दे दे, नौ दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप जे आ चीज़ करी चलांगे फिर तो आप इस चीज़ ही उलझ लेंगे भी वह किधर नू गया, किधर नू नहीं गया। क्लीयर है, आपने ये चीज़ नहीं लगानी, फिर भी एक बार समझने लिए ये चीज़ जरूरी सी। हुण आपने क्वेश्चन किवें करना, वह देखो आपने क्वेश्चन किवें करना है, सब तो पहला वह किधर नू जा रहा सीगा, उत्तर वाल, उत्तर वाल मतलब नॉर्थ में जा रहा सी, इत्थे लिख लो तुसी नॉर्थ लिख लो। ठीक है, उदो बाद कित्थे मुड़िया, खब्बे मुड़िया, इत्थे तुसी कल्ला एल लिख लो, क्योंकि अपने कोल उत्थे टाइम घट हुंदा, लैफ्ट पूरा नहीं लिखना, एल लिख लो। उदो बाद कित्थे मुड़िया, फिर लैफ्ट ते, कित्थे मुड़िया, लैफ्ट ते। उदो बाद कित्थे कित्थे मुड़िया, राइट ते, तां कित्थे मुड़िया, राइट ते। क्लीयर है, सब तो पहला वह नॉर्थ जा रहा सी, लैफ्ट मुड़िया, लैफ्ट मुड़िया, फिर कित्थे मुड़िया, राइट ते मुड़िया। थोने कुछ नहीं करना, थोने लैफ्ट नाल राइट कट देना, थोने लैफ्ट नाल राइट कट देना, लैफ्ट नाल की कट गया, राइट कट गया, पिछे अपने कोले की बच गया, लैफ्ट, कल्ला लैफ्ट बच गया ना। जिन्हें भी लैफ्ट होणगे, जिन्हें भी राइट होणगे, कट जाणगे, चाहे तो उवें कट दो, चाहे एवें कर लो कि इत्थे दो की ने, लैफ्ट ने, एक की है
राइट है तो दो चो एक गया, एक जिहड़ी चीज़ वड्डी है वह लिख दो, चाहे कट के कर लो चाहे इदा कर लो, इच्छा थोड़ी है। ठीक है, कट के कर लो, चाहे एल किन्नी वारी आया, दो बारी, आर किन्नी आया, एक बारी, दो चो एक गया एक एल, तो इतने की बच गया कला लैफ्ट बच गया, वो भी एक लैफ्ट बच गया। हुण तुहाने कुछ नहीं करना, नॉर्थ नू, नॉर्थ किधर हुंदी है अपनी, आपने कोले नॉर्थ दिशा है, आपने कोले नॉर्थ दिशा है, इहनू किधर मोड़ दो, एक बारी लैफ्ट ते मोड़ दो, तो की आ गया आपने कोले लैफ्ट ते मुड़ गया, तो यह कि दिशा है, वैसट दिशा आ गई, कि दिशा आ गई, ये पछम आ गई, वैसट आ गई। ठीक है, ये चीज़ सौखी है ये नालों। ठीक है, जो कंपलैक्स हो जाता क्वेश्चन उदो आप यूज़ करते हैं रैदर दैन ए वाले मैथड के। क्लीयर है, उरे कोई भी डाउट हो मैनू पूछ लो, फिर ए ही हूँ मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ये मैं क्वेश्चन नहीं करवाता। देखो शुरू तो क्वेश्चन की सीगा, हाँ जी शुरू तो की क्वेश्चन सीगा, कोई बंदा नॉर्थ नू जा रहा है, उस तो बाद अपने खब्बे मुड़िया, फिर खब्बे मुड़िया तो सज्जे मुड़िया, आपने दो मैथड नाल कीता, एक मैथड ये एक मैथड ये, ये की किया उन्हें, पहला वह नॉर्थ नू गया, इतों नॉर्थ नू गया, खब्बे मुड़िया, फिर खब्बे मुड़िया तो फिर सज्जे मुड़िया, अल्टीमेटली वह वैसट वाल जा रहा है। पर अपने दूजे मैथड के विच की होया, वो नॉर्थ नू गया, लैफ्ट लैफ्ट राइट आपां ने लिखता क्योंकि लैफ्ट लैफ्ट राइट चलिया सी, लैफ्ट नाल राइट कट गया, की बच गया अपने कोले लैफ्ट बच गया, तो अपने कोले एक लैफ्ट बच गया, एक लैफ्ट का मतलब की है आपने नॉर्थ दिशा नू लैफ्ट वाले पासे घुमाता, आपने यह चीज़ की है नॉर्थ दिशा नू लैफ्ट वाले पासे घुमाता। एक बार स्क्रीनशॉट लै लो ये, फिर आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुण क्वेश्चन सब ने आप करना है, ये वाला एक बार ट्राई करो, मैं लेंथी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उन्ना क लिखूंगा जिन्ना थोड़े क्वेश्चन ही जरूरी है। की कहता है, कोई शाम है, जो शाम है वो सब तो पहला किहड़ी दिशा वाल जा रहा सीगा, उहदी स्टार्टिंग डायरैक्शन जिहड़ी सीगी, उहदी जिहड़ी की सी स्टार्टिंग डायरैक्शन या स्टार्टिंग डायरैक्शन दिशा किहड़ी सीगी, उहदी मान लो ईस्ट सीगी। ठीक है, उहने स्टार्ट किधर नूं कीता, ईस्ट नूं कीता, दैन ही टर्न राइट, उस तो बाद कितने मुड़िया, राइट मुड़िया, दैन अगेन राइट, कितने मुड़िया, राइट मुड़िया, दैन लैफ्ट, दैन अगेन राइट, फाइंड हीज फेसिंग डायरैक्शन। क्वेश्चन की कह रहा है, एक शाम ने स्टार्ट किया कि दिशा वालू, ईस्ट वालू कोई अपनी जर्नी स्टार्ट की, उस तो बाद पहला राइट मुड़िया, फिर राइट मुड़िया, फिर लैफ्ट मुड़िया, फिर राइट मुड़िया, तो पता करो उसकी इस वक्त फेसिंग दिशा मतलब किस दिशा वाल वेख रहा है। हाँ जी तुम लो, 10 मिनट का टाइम है, ये तो बाद क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी इस वक्त तो किधर देख रहा है, वैसट वाल, वैरी गुड। चल सब तो पहला क्वेश्चन दे विच की करना आपने, आप दूजे तरीके ही करांगे। ठीक है, पहला तरीका जिहड़ा है वो डिफिकल्ट है, अपना पेज वेस्ट हुंदा है, वो अड हुंदा है। ठीक है, सब तो पहला की लिखना आपने, ईस्ट वाल, सब तो पहला वो किधर जा रहा सी, ईस्ट वाल जा रहा सी, ईस्ट तो बाद आपां लिखना राइट मुड़िया, राइट मुड़िया, लैफ्ट मुड़िया, राइट मुड़िया, आ चीज़ लिखनी आपने, राइट मुड़िया, राइट मुड़िया, लैफ्ट मुड़िया, तो राइट मुड़िया, तो फाइनल दिशा आपने पता करनी है। मेरी गल ध्यान नाल समझो, ये फार्मूला सिर्फ उत्थे लगेगा जिथे आपां सिर्फ दिशा पूछी हुई है भी वह किहड़ी दिशा वाल जा रहा है, डिस्टेंस की या दूरी की इत्थे कोई गल नहीं हुई, दूरी वेले आपां होर चीज़ लावांगे। ठीक है, ये सिर्फ उत्थे एप्लीकेबल है जिथे आपां सिर्फ फेसिंग पूछा गया। ठीक है, हुण आपां ने राइट नाल लैफ्ट कटदा, राइट आ कटूगा नहीं। ठीक है, तो इत्थे क्योंकि राइट नाल आपां ने लैफ्ट कटदा, या फिर जे मैं कहां इत्थे राइट किन्ने ने, तीन राइट ने, तो लैफ्ट किन्ना है, एक लैफ्ट तो पिछे की बच गया, दो आर, आर ता करके बचाया अपने, जिहड़ी चीज़ वड्डी होगी आप रखा दो आर। हुण मेरी गल ध्यान ना समझो, इत्थे की बच गया, दो बारी आर। हुण आपां नूं पता है भी अपने कोले उपर की सी, ईस्ट सीगा, की सीगा, ईस्ट सीगा, जे मैं कहां ईस्ट है, जे मैं कहां इत्थों ने स्टार्ट किया सी, ते आ की है अपने कोले ईस्ट है, ईस्ट तो दो बारी राइट घुमाना है, दो बार राइट का मतलब की है, इहदा पहला राइट की होगा थले नूं, इहदा पहला राइट की होगा थले नूं होगा, तो जे तुसीं अपने नोट्स चैक करो तो इहदा राइट की होगा आह वाली दिशा, इहदा राइट की होगा आह वाली दिशा, तो यह वाली दिशा किहड़ी हुंदी है, वैसट हुंदी है। इत्थों तुसीं आह चीज़ करके क्रॉस मार के देख सकते हो कि आह वाली दिशा किहड़ी हुंदी है, वैसट हुंदी है। क्लीयर है जी? ठीक है,
ते एनु तुसी नॉर्मली भी याद रख सको कि दो आर दा दो चाहे आर होवे चाहे दो एल होवे इहदा मतलब की हुंदा है ओपोजिट डायरेक्शन ओपोजिट का मतलब विपरीत दिशा इहदा मतलब की हुंदा ओपोजिट डायरेक्शन हुण इहदा मतलब मैं हुण समझ लो जे ईस्ट हुंदा जे इह की है ईस्ट है इत्थे जे मैं लिख दिंदा दो बारी लैफ्ट एक बारी आर एक बारी फिर लैफ्ट ठीक है जे मैं आ चीज़ लिखता ईस्ट वाल जा रहा है लैफ्ट लैफ्ट राइट लैफ्ट इत्थे की हो गया लैफ्ट नाल राइट कट गया की बच गया दो बारी लैफ्ट दो बारी की बच गया लैफ्ट ते जे मैं ईस्ट नूं दो बारी लैफ्ट घुमावां फिर भी मेरे कोले की आऊगा वैस्ट आंसर ही आऊगा क्यों आ सी इहदा पहला लैफ्ट इहदा दूजा लैफ्ट तां अपने कोले आंसर उदों भी की आऊगा वैस्ट ही आऊगा देखो जे इत्थे आपां आ चीज़ करके देखिए तां इह की आंसर आ गया अपने कोले वैस्ट चाहे वह दो बारी राइट जांदा चाहे वह दो बारी लैफ्ट जाता है वो हमेशा ओपोजिट दिशा आऊगी ईस्ट की ओपोजिट की होंगी है वैसट होंगी है नॉर्थ की ओपोजिट की होंगी है साउथ होंगी हूँ तुम ध्यान देखो जे मैं इस दिशा वाल जा रहा ठीक है आ कैप की है दिशा है इतों जा रहा जे मैं दो बारी राइट मुड़िया तो एक बारी मुड़िया दो बारी मुड़िया ओपोजिट दिशा आ गई जे मैं ये तो इधर मुड़दा तो भी की आऊगी ओपोजिट आऊगी ये लैफ्ट वाला कंसैप्ट समझ आ गया लैफ्ट तो राइट दो हूँ जे मैं कह चार बारी हूँ जे मैं कह चार बारी हुण मान लो मैं उरे हाँ जे मैं चार बारी राइट मुड़िया तो एक दो तीन चार मैं सेम दिशा दे विच आ गया हुण जे मैं कह मैं चार बारी लैफ्ट मुड़िया तो एक दो तीन चार तो की हो गया चार बारी लैफ्ट मुड़िया इहदा की मतलब होया भी चाहे मैं चार बारी राइट मुड़ा चाहे मैं चार बारी लैफ्ट मुड़ा मैं की हो जूँगा सेम दिशा दे विच आ जूँगा इत्थे गल क्लीयर होगी ठीक है हुण जिवें मैं यही क्वेश्चन थोनू करके दिखाना जिहड़ी चीज़ मैं कही है कि जे मैं थोनू कहा कि मैं साउथ वाल जा रहा सी मैं की जा रहा सी साउथ वाल जा रहा सी मान लो मैंने चार बारी मैं राइट मुड़िया पांच बारी एक बारी मैं लैफ्ट मुड़िया ठीक है तो मेरा कट गया एक राइट नाल लैफ्ट कट गया पिछे की बच गए मेरे को चार आर बच गए हुण चाहे तो तुसी की कर सकते हो साउथ नूं चार बारी घुमा सकते हो इच्छा थोड़ी है ठीक है जे आपां साउथ नूं चार बारी घुमावांगे आ अपने कोले साउथ है इहदा पहला राइट दूजा राइट तीजा राइट चौथा राइट अल्टीमेटली आपां साउथ वाले पासे ही आ जाएंगे पर जे तुसी ये दिमाग दे विच कैलकुलेट कर लो भी चार आर का की मतलब हुंदा है सेम डायरेक्शन तां तुसी कुछ नहीं करना साउथ का की रह जूगा इत्थे साउथ रह जूगा यह चार आर लई भी एप्लीकेबल है तो चार एल लई भी एप्लीकेबल है जे इत्थे चार बारी आर की जगह तो चार बारी एल भी बचता ना अपने कोले तां भी आपां की कहिंदे भी वह सेम दिशा दे विच आऊगा ये चीज़ क्लीयर है जी सबनों ओके ये नाल दे जेड़े भी असाइनमेंट के क्वेश्चन होणगे अज शाम थोड़े तक पहुँच जाएंगे ठीक है सिर्फ ये नाल दे ही होणगे इस तों अलावा कुछ नहीं होना ठीक है जेड़े भी असाइनमेंट के क्वेश्चन होणगे कल नूं उह करके लैके आने ने हुण आपां करांगे आपां ने देख लिया भी जे एक बारी राइट या लैफ्ट बचता है किवें करना है दो बारी बचता है किवें करना है चार बारी बचता है किवें करना है पर अपना की रह गया तीन बारी हुण आपां करांगे भी जे तीन बारी बचता है जे तीन लैफ्ट या तीन राइट बचते हैं फिर आप करांगे तो मैं उम्मीद कर रहा कि तुसी नाल नाल इहनू लिख रहे होंगे जो जो मैं करवा रहा क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है हुण क्वेश्चन की है जे मैं कह कि मोहिनी स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड वैसट तो मैंने की कहा मोहिनी किधर नू तुरना स्टार्ट कर दी है मोहिनी स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड वैसट सब तो पहला मोहिनी किधर नू तुरना स्टार्ट कर दी है वैसट नू उस तों बाद वो किथे मुड़ी राइट फिर राइट मुड़ी फिर वो लैफ्ट मुड़ी फिर वो लैफ्ट मुड़ी फिर वो लैफ्ट मुड़ी फिर वो लैफ्ट मुड़ी तो एक बारी होर वह लैफ्ट मुड़ी तो किन्नी बारी दो बारी वो राइट मुड़ी एक दो तीन चार पाँच बारी वो लैफ्ट मुड़ी दो बार राइट मुड़ी तो पाँच बारी वो की मुड़ी लैफ्ट मुड़ी तो यदा पता करके दसो भी फाइनल दिशा वो कि होगी किस दिशा वालों इस वक्त जा रही है दसो भी हाँ सो इतने क्वेश्चन की सीगा अपने कोले दो आर ते पांच एल पिछे की बच गया तीन एल आपां नूं की पता है आ वैसट है वैसट नूं तीन बारी खब्बे पासे घुमाना है वैसट का पहली बारी खब्बा पासा की होगा थले ठीक है ये किवें होगा थले नूं थोड़ा जिहा पिछे जाके अपने नोट्स चैक कर लियो
वैसट का जरा खब्बा पासा होगा पहला की होगा थले, दूजा खब्बा पासा की होगा इधर, तीजा खब्बा की होगा आह वाली चीज़ होगी। तो आह वाली दिशा कि होंगी है उपर जी दिशा आप इतों देखिए तो कि दिशा होंगी है नॉर्थ होंगी उपर कि दिशा आ गई नॉर्थ आ गई। पर जे आप इन्नी एक चीज़ भी नहीं बनानी तो आप की करते आप सीधा तीन एल न तोड़ देंगे दो एल तो एल दे तीन एल न तोड़ दिया दो एल तो एल दे हूँ दो एल का मतलब क्यों होता ओपोजिट आपको पता है दो एल का मतलब क्यों होता ओपोजिट अपने को दिशा सी वैसट वैसट का ओपोजिट की होंगे ईस्ट वैसट का ओपोजिट की होंगे ईस्ट। हूँ आपने कुछ नहीं करना दो एल खत्म हो गया क्योंकि आपने तीन एल तो दो एल बनाया तो एल बनाया दो एल का मतलब की है ईस्ट तो अपने को आ गया ईस्ट। हूँ आप करा ईस्ट न सिर्फ एक बार खब्बे पासे घुमाना है हूँ आप ईस्ट न तो सौखा ही घुमा सकते हैं आपने को ईस्ट है आज का खब्बा पासा की आ गया नॉर्थ आ गया आपने को ईस्ट ईस्ट का खब्बा पासा अपने को आ गया नॉर्थ आ गया। क्वेश्चन जिन्ना ईजी हो सके उन्ना ईजी आप बनावे ठीक है। कितने तो आप तीन बारी उन्होंने लैफ्ट लैफ्ट मोड़ रहे हैं कितने आप सिर्फ उन्होंने एक बारी लैफ्ट मोड़ रहे हैं ठीक है। हाँ जी ओके है लै कुछ क्वेश्चन मैं दिना यदा स्क्रीनशॉट लै लो कुछ क्वेश्चन मैं दिना वो थोड़े करने ने सिंपल फॉर्म के मैं क्वेश्चन बना के दिना थोनू लो आप थोड़े को चार क्वेश्चन ने जिदे जोड़ा थोड़ा जा डिफिकल्ट है वो सिर्फ ये होगा बाकी तीन बहुत सौखे ने। जिनी छेती हो सके उन्नी छेती करने ने की आया पहले का आंसर पहले बिच की करना है राइट नाल लैफ्ट कट गया 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 की बच गया कला लैफ्ट बच गया तो आपको पता है नॉर्थ का लैफ्ट की होंगे वैसट तो पहले का आंसर की आ गया राइट नाल लैफ्ट कट 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 गया तो अपने को बच गया कला लैफ्ट बच गया ना तो नॉर्थ का लैफ्ट की होंगे वैसट होंगे नॉर्थ का लैफ्ट वैसट होंगे ठीक है क्लीयर है ना फिर ईस्ट किमें आ रहा लैफ्ट राइट तो नहीं घट बद ले गया ओके हाँ ओके राइट नाल लैफ्ट कट गया 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 देखो इतने सारे कट गए तो यदा मतलब क्या हो घूम फिर के वह कि दिशा दिशा के आ गया दोबारा वैसट के ही आ गया अगले दे राइट नाल लैफ्ट कट गया राइट नाल लैफ्ट कट गया पिछे की बच गया दो बारी आर का मतलब क्यों यदा ओपोजिट दिशा हूँ एन ई का मतलब की सी नॉर्थ ईस्ट दिशा हूँ जो आप ध्यान समझिए आ अपने को होंगी है नॉर्थ आ अपने को होंगी है ईस्ट आ कि दिशा होंगी है नॉर्थ ईस्ट हूँ दो आर का मतलब मैंने हूँ ही की लिखा है दो आर या दो एल का मतलब ओपोजिट डायरेक्शन ओपोजिट का मतलब यदि ओपोजिट ए वाली डायरेक्शन की ओपोजिट कि होगी हाँ वेरी गुड नॉर्थ का की हो गया साउथ ईस्ट का की हो गया वैसट तो साउथ वैसट या वैसट साउथ कुछ भी है कह सकते हो यदा आंसर क्या आजगा साउथ वैसट। हूँ आह वाला क्वेश्चन है जो एस एस सी के आता ठीक है पंजाब के पेपर से बहुत घट आता है ये चीज़ा आदि ने एस एस सी के हूँ जे इन्हें की कहा 250 बारी खब्बे पासे मुड़िया 50 बारी सज्जे पासे मुड़िया तो 5 बारी वह खब्बे पासे मुड़िया ऐ मन के चलो भी दिमागी हालत वो ठीक नहीं सी ता करके मुड़िया तो पता करो अखीर के पिछे जा रहा होगा क्लीयर है
हुण तुहाने कुछ भी नहीं करना, तुहाने उही चीज़ करनी है लैफ्ट लैफ्ट जोड़ दो। तो टोटल लैफ्ट विचे किन्नी वारी गया, 255 वारी कित्थे गया, वो लैफ्ट गया 255 वारी, वो कित्थे गया लैफ्ट गया, तो 50 वारी वो कित्थे गया राइट गया, 255 वारी वो लैफ्ट गया तो 50 वारी कित्थे गया वो राइट गया। जे मैं कहाँ उन्हें माइनस किया तो किन्ना बच गया इत्थे 205 लैफ्ट। हुण इहदा मतलब की है भी अखीर दे विच उही चाहे कट्टण वाला हिसाब लगा लो चाहे उन्होंने ऐ करके माइनस कर लो, आंसर थोड़ा सेम ही आऊगा। ठीक है, हुण की आ गया 205 वारी वो लैफ्ट मुड़िया। हुण तुहानूं पता है एक का पता है, दो का पता है, तीन का पता है, चार का पता है, भी जे चार बारी राइट लैफ्ट होंदा एक बारी दो बारी तीन बारी आपां कढ लैंदे, पर 205 वारी किवें करांगे। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझो, 205 वारी किवें करना है। जे मैं कहां जे इधर नूं जा रहा सीगा, नॉर्थ वल नूं जा रहा सी, उह चार वारी सज्जे पासे मुड़िया, एक दो तीन चार, एक बारी होर चार बारी मुड़िया, एक दो तीन चार, फिर चार बारी मुड़िया, एक दो तीन चार, इहदा मतलब की है वह 12 वारी मुड़िया सीगा, पर की होया सेम दिशा दे विच आ गया। तो 12 की खास गल की है, चार ते डिविजिबल है, चार तिया 12 हो गया ना, उवें ही जे मैं एक बारी होर मुड़ना, एक दो तीन चार, तो इहदा मतलब की हो गया हुण 16 वारी मुड़िया। 16 की खास गल की है, वह चार ते डिविजिबल है। इहदा की मतलब होया भी जो चीज़ अपने कोल आई है जे ये चार ते डिविजिबल है तो वह मुड़ के उस दिशा के आजूगा, जे ये चार ते डिविजिबल है तो वह मुड़ के उस दिशा में आजूगा। हुण 205 करके देखो, चार नाल 205 जो चार ते करांगे, चार पंजा की आ गया भी पिछे की बचा, पंज चार एकम चार, पिछे की बच गया अपने कोले एक बच गया। जो आप 205 चार ते डिवाइड कर दिया, पिछे अपने कोले की बच गया एक बच गया, हुण लैफ्ट सीगा तो एक की बच गया लैफ्ट बच गया। इहदा मतलब की होया, एक लैफ्ट का मतलब की होया भी आ सारा कुछ कट कटा के अपने कोले एक लैफ्ट बच गया, तो वैस्ट नूं है एक लैफ्ट घुमा दो, तो सारा कुछ तो कट गया ना, की बच गया एक लैफ्ट, तो वैस्ट नूं एक लैफ्ट घुमावांगे तो लैफ्ट की होंदी है थल्ले वाली दिशा, तो आंसर की आ गया थोड़े कोले साउथ, थोड़े कोले की आ गया आंसर आ गया। क्लीयर है भाई, क्लीयर है। सो हुण तक आपां ने की पढ़िया भी कोई बंदा किसी दिशा वल अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करता है, तो उस तो बाद सजे खब्बे कित भी मुड़ता है, तो अखीर दे विच आपां ने पता करना हुंदा है भी वो किस दिशा विच जा रहा है। पर हुण जो आपां कंसैप्ट पढ़ांगे, हुण की पढ़ांगे भी कोई बंदा सवेरे सवेरे नशे च सीगा ते वो किसी भी दिशा वल चला गया, उन्हूं पता नहीं लग्या मैं किस दिशा विच जा रहा, किसी भी दिशा विच गया, उस तो बाद सजे खब्बे मुड़िया, तो अखीर दे विच जदों उन्हूं सुरत आई तो उन्हूं पता लग्या हाँ मैं इस दिशा विच जा रहा, तो आपने की पता करना है भी उसकी स्टार्टिंग दिशा केड़ी सी। ठीक है, हुण तक आपां नूं पता सी भी स्टार्टिंग दिशा केड़ी सी, अखीरली दिशा पता करनी सी लास्ट वाली, हुण आपां नूं की पता लास्ट दिशा आपां नूं पता है, फस्ट दिशा आपां ने पता करनी है। जिवें मैं तुहानूं क्वेश्चन दवां, जे मैं कहां कि राम वाकिंग टवार्ड डायरेक्शन, हुण देखो इहदे विच खास गल की है कि राम वाकिंग टवार्ड डायरेक्शन, राम एक दिशा विच जा रहा है, एंड then he turned to his left, अते वो किथे मुड़िया अपने खब्बे पासे मुड़िया, then right किथे मुड़िया सज्जे पासे मुड़िया, again right उस तो बाद फिर किथे मुड़िया सज्जे पासे मुड़िया। राम किसे दिशा विच जा रहा, दिशा नहीं दसी केड़ी है, अते की होया उस तो बाद वो पहला खब्बे मुड़िया, फिर वो सज्जे मुड़िया, फिर वो किथे मुड़िया सज्जे मुड़िया। ठीक है, एंड फाइनली ही इज इन साउथ डायरेक्शन, अते फाइनली वह किस दिशा के पहुँच गया, साउथ डायरेक्शन के पहुँच गया। पता करो हीज स्टार्टिंग डायरेक्शन, तो क्वेश्चन की है उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करो। ठीक है, आप बिल्कुल अपने शॉर्टकट फार्मूले के नाल चलांगे। हुण आपां नूं देखो की पता है, आपां नूं की पता है कि वह किसे दिशा विच गया, आपां नूं नहीं पता वो किस दिशा विच गया, तो आपां की लिखता वह किसी भी दिशा विच जा सकता है। उस तो बाद लैफ्ट राइट राइट मुड़िया, कित्थे मुड़िया लैफ्ट राइट राइट मुड़िया। ठीक है, लैफ्ट राइट राइट मुड़िया, उस तो बाद किहड़ी दिशा विच चला गया, वह साउथ दे विच, कित्थे चला गया एट लास्ट, वह साउथ मतलब दक्षण दिशा दे विच चला गया। क्लीयर है, हुण इहदे विच की होया राइट नाल लैफ्ट कटदा, जिवें आपां पहलां कटदे हुंदे आ, इहदे विच सिर्फ एक चीज़ का झोल है, किहड़ी चीज़ का, कि जदों लैफ्ट नाल राइट कटूगा तो इहदा राइट की बन जूगा, लैफ्ट बन जूगा। किवें, जे आपां मन के चलो एक बार इहदी
होर आप एग्जाम्पल करके देखते हैं। जे मैं थोनू कहाँ कि इहदा आप राइट तो लैफ्ट नहीं करते, ठीक है, कोई नोट ना करो इस चीज़ को, लैफ्ट राइट राइट इत्थे की पहुँचा साउथ, मैं की किया लैफ्ट नाल राइट कटता, तो जे मैं साउथ नू राइट वाले पासे घुमाना आ मेरे को है साउथ, साउथ का राइट की हुंदा है वैसट, साउथ का राइट की हुंदा है वैसट हुंदा, तो मैं इत्थे आंसर लिखता वैसट। हुण जे मैं दिमाग ला के देखा कि वैसट तो साउथ बनता, क्योंकि बनना चाहिए जे आप देखिए तो वैसट तो साउथ बनना चाहिए, पर लैफ्ट नाल राइट कट गया इत्थे की बच गया राइट, तो जे मैं वैसट का राइट घुमाना वैसट का राइट की होगा नॉर्थ, वैसट का राइट की होगा नॉर्थ, तो इतों मैनू की चीज़ पता लगती है, इतों मैनू ये चीज़ पता लगती है कि जो मेरा वैसट है वैसट का की होजूगा, जो राइट घुमाऊँगा तो मेरा की होजूगा नॉर्थ बन जू, पर आपको की चाहिए साउथ, तो करके अपनी ये चीज़ की है गलत। आप करांगे जो भी इतने बचिया, जे इतने राइट बचता तो आप लैफ्ट कर देंगे, जे उरे लैफ्ट बचता तो आप राइट कर देंगे, तो की हो गया जो अपने को साउथ दिशा से साउथ डायरेक्शन का लैफ्ट की होता, जो साउथ होगा साउथ का लैफ्ट की होगा, साउथ का लैफ्ट आ वाली दिशा होगी, तो यह दिशा आप कहने ईस्ट, तो यदा आंसर की आजगा जी ईस्ट। हुण तुसीं चैक करने लई ईस्ट तो साउथ जाके देखो, लैफ्ट नाल राइट कट गया की बच गया राइट, तो जे मैं ईस्ट का राइट करता तो मेरे को आंसर की आता है साउथ आता, ठीक है, ये चीज़ समझ गए, ईस्ट का अपने को आता है साउथ आता है। ये मैं एक गल थोनू होर कहनी चाहूँगा कि जो दो आर वाला कंसैप्ट है तो दो एल वाला कंसैप्ट है वो सेम रहेगा, की होंगे वो ओपोजिट डायरैक्शन जो आप पहला पढ़ चुके, ठीक है, वो की आऊगा ये ओपोजिट डायरैक्शन आऊगी। जे मैं कह चार एल या चार राइट जो आप पहला पढ़ चुके वह भी ये की आऊगा सेम डायरैक्शन, ये दो चीज़ा ये फॉलो होनगियां। ये किमें है मन के चलो, मन के चलो जिमें एक क्वेश्चन सी, ये तो अलावा जे मैं थोनू कहना, जे मैं थोनू कहना कि कोई बंदा जिमें वैसट सज्जे पासे गया, सज्जे पासे गया, फिर दो बारी खब्बे पासे गया, फिर दो बारी खब्बे पासे गया, तो वह कित्थे पहुँच गया नॉर्थ में पहुँच गया, तो शुरू वाली दिशा पता करनी है राइट नाल लैफ्ट कटांगे, राइट नाल लैफ्ट कटांगे, की बच गया दो बारी लैफ्ट। हुण दो बारी लैफ्ट नूं मैं की लिखूंगा दो बारी राइट, की लिखूंगा मैं दो बारी राइट लिखूंगा, तो नॉर्थ का दो बारी राइट, दो बारी राइट का मतलब क्या होता ओपोजिट डायरैक्शन, तो नॉर्थ का की आंसर आजगा जी साउथ आंसर आजगा, ठीक है। कुल मिला के की है भी चाहे उपरों थले जाओ चाहे थलों उपर जाओ, दो आर ते दो एल वेले की होगी ओपोजिट डायरैक्शन होगी, फोर एल ते फोर आर वेले की होगी सेम डायरैक्शन होगी, क्लीयर है। ये नाल ही आप कुछ अगे होर क्वेश्चन करांगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मेन चीज़ है वह तीन एल या तीन आर वाली है, ये जो मेन चीज़ है वह कि तीन एल या तीन आर वाली है। सो अगला क्वेश्चन अपने को सी, जे मैं कह उन्हें वैसट तो स्टार्ट वैसट से पहुँच गया, अखीर कितने पहुँच गया वैसट से पहुँच गया, स्टार्टिंग दिशा पता करनी है, पहला स्टैप अपना उही राइट नाल लैफ्ट कट गया, राइट नाल लैफ्ट कट गया, की बच गया लैफ्ट। हुण आपां ने लैफ्ट नहीं मोड़ना, लैफ्ट नूं की करना है राइट बनाता, आपां पता है वैसट की हुंदा है, इहदा राइट की हुंदा नॉर्थ, तो आंसर की आ गया अपने को इत्थे नॉर्थ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, पहला स्टैप उही है, पहला वाला जिवें भी कटना है, उस तो बाद लैफ्ट नूं राइट बना दो, जे राइट बचता तो लैफ्ट बना दो। अगले जे की सी लैफ्ट तो राइट बन गया, इत्थे की बच गया दो बारी राइट, तो दो बारी राइट नूं की लिखांगे दो बारी लैफ्ट। हुण चाहे तो इहनूं नॉर्थ नूं, जिवें आ नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ नूं की कर दो बारी लैफ्ट, एक बारी लैफ्ट दूजी बारी लैफ्ट, की बच गया साउथ बच गया। चाहे आप दो बारी लैफ्ट, आपां नूं डायरैक्ट पता है की हुंदा ओपोजिट डायरैक्शन आप पहले कर चुके, तो नॉर्थ का ओपोजिट की आ गया साउथ आ गया, सिंपल। ये की अपने को लैफ्ट नाल की कट गया राइट कट गया, अपने को लैफ्ट नाल की कट गया राइट कट गया। हुण अपने को इत्थे की बच गए तीन आर बच गए, तीन आर बच गए। हुण साउथ ईस्ट की है, आ देखो साउथ ईस्ट किधर हुंदा, साउथ किधर अपने को सी, ईस्ट किधर अपने को आसी, आ अपने को बच बन गई साउथ ईस्ट। उन्हें की कहा तीन बारी राइट, तीन बारी राइट नूं आपां की लिखांगे तीन बारी लैफ्ट, तीन बारी राइट नूं की लिखता आपां ने तीन बारी लैफ्ट, इत्थे की आ गया दो बारी लैफ्ट ते एक बारी लैफ्ट। हुण आपां नूं पता है कि साउथ ईस्ट दा जे मैं दो बारी लैफ्ट करां तां की आऊगा, आ चीज़ आजूगी वी इहदे ओपोजिट डायरैक्शन आजूगी, इहदी ओपोजिट की होगी नॉर्थ वैसट, ओपोजिट डायरैक्शन कीड़ी होगी, इत्थे की आ गया नॉर्थ वैसट, ठीक है। साउथ ईस्ट तीन आर नूं की लिखता, तीन एल लिखता, तीन एल का मतलब दो एल ते एक एल, दो एल का मतलब आप पिछे कर चुके की हुंदा ओपोजिट डायरैक्शन, साउथ ईस्ट की ओपोजिट की होगी नॉर्थ वैसट, तो नॉर्थ वैसट का खब्बा पासा,
हूँ मैं जे कहाँ इहदा लैफ्ट की होगा, आप पहला कर चुके लैफ्ट मतलब 90 डिग्री मुड़ना, तो यदा लैफ्ट की हो गया आह वाली दिशा होगी। हुण दिशा किवें पता करनी है, उही दुबारा इत्थे आपां आह चीज़ बना लो, इत्थे आपां ने की बना लिया आह चीज़ बना ली, आह अपने कोल नॉर्थ हुंदा आह साउथ हुंदा आह ईस्ट हुंदा आह वैसट हों, तो आप ध्यान नाल देखिए आह अपने कोल वैसट है आह अपने कोल साउथ है, तो आह वाली दिशा कि होगी साउथ वैसट, तो अपने कोल आंसर की आ गया साउथ वैसट, अपने कोल आंसर की आ गया साउथ वैसट डायरैक्शन। लास्ट क्वेश्चन अपने कोल की सी आह वाला, लास्ट क्वेश्चन की है कि कोई राइट नाल लैफ्ट कट गया, इतने फिर की बच गया तीन बारी आर नूं की लिखा, तीन बारी एल लिखा, आप चेंज करते हों इहनूं फिर दो एल ते एक एल लिखा, नॉर्थ का ओपोजिट की होता है, दो एल का मतलब ओपोजिट, नॉर्थ का की हो गया साउथ हो गया। हुण आपां ने साउथ नूं सिर्फ एक बारी लैफ्ट पासे घुमाना है, जे मैं साउथ की गल करा साउथ का लैफ्ट पासा की होंदा आह वाला, साउथ का लैफ्ट किहड़ा पासा होंदा आह वाला, तो इहनूं आपां की कहिंदे, जे आपां इत्थे आह चीज़ मार के देखिए तां किहड़ी दिशा बन गई, ईस्ट दिशा बन गई, तो आंसर अपने कोल की आ गया ईस्ट। क्लीयर है जी, ये अपने कोल कुछ सौखे सवाल से जिहड़े आपां ने कर ले, हुण आपां अगे चल, हुण अपने कोल क्वेश्चन उही आंदा जो आपने पहला लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है, उहदे विच की सी वी जे हुण मैं तुहानूं कह दां कि किसी की आपां नूं स्टार्टिंग दिशा नहीं पता, पर आपां नूं की पता वी उह दो बार राइट मुड़िया, भी 200 बार राइट मुड़िया, 300 बार उह ठीक है, तो 10 बारी फिर वह लैफ्ट मुड़िया, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो अखीर दे विचों किधर पहुँच गया वैसट वल, अखीर दे विचों वैसट वल पहुँच गया, तो उहदी स्टार्टिंग दिशा की सी, दुबारा आप उही चीज़ करांगे, लैफ्ट लैफ्ट कट्ठा कर लो कि हो गया 210 लैफ्ट ते 300 आर, 210 लैफ्ट ते 300 आर, ठीक है। हुण अपने कोल की होया इत्थे वड्डा किहड़ा है आर, तो आर जदों आपां माइनस करांगे तो की बचूगा 10 चों 9, तो अपने कोल की बच गया 90 आर बच गए। हुण आपने दोबारा इत्थे एक पॉइंट की सी अपने कोल राइट नूं की बदल देना लैफ्ट दे विच बदल देना, तो अपने कोल की बच गया 90 लैफ्ट बच गया, 90 लैफ्ट नूं जदों तुसीं 4 ते डिवाइड करोगे 4 × 8 4 × 8 पिछे की बच गया 2 बच गया, पिछे अपने कोल की बच गया 2 हुण की है, ये लैफ्ट है राइट नहीं लिखना, ये की है लैफ्ट, तो अपने कोल वैसट सी, आपां नूं पता है 2 लैफ्ट का मतलब की हुंदा है 1 लैफ्ट 2 लैफ्ट, तो इहदा की हो गया ईस्ट आंसर हो गया। जे तुसीं शुरू तो ये लैक्चर देख रहे हो तो हो ही नहीं सकता भी थोनू ये चीज़ समझ ना आई होवे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी। देखो रीजनिंग दे विच किसी भी चैप्टर का जो भी आप स्टार्ट करांगे पहला लैक्चर लाना बहुत जरूरी है, दूजा तीजा क्वेश्चन दे विच प्रैक्टिस होंदी है, पहला लैक्चर दे विच बेसिक चीज़ करनी जरूरी है। हुण जिवें मैंने आह चीज़ कहती भी ये लैफ्ट मुड़िया फिर लैफ्ट मुड़िया फिर लैफ्ट मुड़िया, ये समझ उहनूं ही आऊगा जिन्हें लैक्चर के पहले 15 तों 20 मिनट लाए ने, ठीक है, वह 15 तों 20 मिनट जरूरी ने, बाद चो कोई भी सवाल यह जहाँ नहीं है जिहड़ा तुसीं ना कढ़ सको। इस चीज़ की असाइनमेंट ये जिहड़े आपां ने 2 बेसिक टॉपिक किए ने, यदि असाइनमेंट थोड़ा शाम तक मिल जूगी, तो थोड़ी देर दे विच ही थोड़ा जो है लैक्चर जो है मैथ का शुरू हो जूगा। थैंक यू वेरी मच।